नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया जा चुका है। जी हां, राज्यसभा में बिल पहले ही पास हो चुका है और आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया गया। अमित शाह जब बिल पेश कर रहे थे तो उस दौरान कांग्रेस से रुख साफ करने की बात अमित शाह ने कही, तो इस दौरान देखा गया कि अधीर रंजन चौधरी तीखी बहस करते नजर आए अमित शाह से। साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी स्पष्टीकरण दे, सरकार स्पष्टीकरण दे, इस तरह से सरकार कैसे फैसला ले सकती है। अधीर रंजन चौधरी काफी गुस्से में नजर आए और वो कह रहे थे कि ये सरकार कोशिश ना करे ये जताने की कि कांग्रेस देश हित में नहीं सोचती, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि कांग्रेस इस बिल पर क्या सरकार के साथ है या नहीं। अमित शाह ने जवाब में कहा कि कश्मीर के लिए हम जान भी दे देंगे। जी हां, बहुत बड़ी बात कही अमित शाह ने, क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर कह रहा हूं इसका मतलब पीओके और अक्साई चीन का हिस्सा भी इसमें शामिल है। तो यहाँ एक मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश भी की गई है और चीन को देने की भी कोशिश की गई है। जिस तरह से पीओके पे अपना अधिकार समझता है पाकिस्तान, तो साफ तौर पर अमित शाह ने बता दिया आने वाले दिनों में पीओके और अक्साई चीन का हिस्सा भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा, इस पर भी सरकार कदम जरूर उठाएगी, हम कश्मीर के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो देश की दूसरी बड़ी पार्टी मानी जाती है वो अपना रुख स्पष्ट करे। अधीर रंजन चौधरी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे जब अमित शाह से तीखी बहस उनकी लोकसभा में हुई, लेकिन अमित शाह ने भी अधीर रंजन चौधरी के हर बात का जवाब दिया और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम कश्मीर के लिए जान भी दे सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा में पेश हो चुका है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। R9 टीवी पर पल पल की अपडेट आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।